और महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होने के बाद कुछ नेता इसका विरोध करते नजर आए, जिसमें एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल रहे। और असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम आरक्षण और ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। जब आप कानून ला रहे हैं जिनके लिए, अब उन्हीं को नहीं देंगे कि ओबीसी को और मुस्लिम महिला को नहीं देंगे, इसलिए हम उनके खिलाफ वोट दिए। वहीं से पहले संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर संविधान का हवाला दिया। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 जबकि विरोध में 2 वोट पड़े। तो नए संसद भवन में संसद का विशेष सत्र